जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आज भी खुश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2-3 दिन से एक बात सोच रही थी कि अभी इस समय सोशल मीडिया पे पूरे भारत में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं कि वो चमत्कार दिखाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, इसी पर बोलने का कुछ सोच रही थी कि यहाँ पर हमारे धर्म पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, हमारे शास्त्रों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं जो वाकई में चमत्कार होते हैं। आज मैंने एक पोस्ट डाली थी, वहाँ पे एक कमेंट आया था, तो वाकई में लगा कि नहीं, हमारा जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं बोलना चाहता है लेकिन सामने नहीं आना चाहता। भाई क्यों नहीं सामने आना चाहता, मुझे ये चीज़ बड़ी अंदर से ना खाती है कि जब हमें ज़रूरत होती है एक साथ होने की, तब कोई एक साथ नहीं होता। आज हमारे धर्म पर किस तरह से प्रहार हो रहे हैं, किस तरह से हमारे शास्त्रों को खत्म किया जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, इनको अंधविश्वास बोला जा रहा है, जिसका जिम्मा क्या सिर्फ एक संत ने लिया है, और जो कि वो संत नहीं है वो खुद कहते हैं। बागेश्वर धाम एक ऐसा चमत्कार है, ये चीज सभी मानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस दुनिया में हैं, बाकी देवी देवताओं की शक्तियां हैं, लेकिन हनुमान जी साक्षात आज भी इस दुनिया में हैं और वो समय समय पर अपने चमत्कार दिखाते हैं। इन चमत्कारों को पाखंड का नाम क्यों दिया जाता है, इन चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम क्यों दिया जाता है, क्यों सिर्फ उंगलियां उठाने के लिए हमारा हिंदू धर्म ही है। इस समय क्या सभी हिंदू धार्मिक जो गुरु हैं, जो संत हैं, साधु हैं, उन सभी को एक नहीं हो जाना चाहिए? क्या सिर्फ एक ने ही जिम्मा ले लिया कि हमारे भारत को हमें राष्ट्र बनाना है, क्यों बाकी किसी का कोई अधिक वो नहीं है? आज हम नॉर्मल जो हम भारतीय हैं, हम भारत में रह रहे हैं, क्या आपको भारत पे गर्व नहीं है? गुरु जी की ही बात करती हूँ कि वो भी हमारे भारत को एक समृद्ध देश बनाना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हमारा भारत देश समृद्ध बने, यहाँ का हर एक जीव समृद्धि से अपने जीवन को जिए, भारत देश अंधविश्वास से। अब यहाँ पे बात यही आती है कि कोई और कुछ करे तो चमत्कार है, कोई और कुछ करे तो वो बहुत सही है, हिंदू धर्म में कुछ भी कर दिया जाए तो वो पाखंड है, पाखंड फैलाना हो गया। आप सुनिए, बागेश्वर धाम सरकार में सीता राम जी विवाह महोत्सव में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने जिस तरह से बोला है, जिस तरह से याद दिलाया है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म था, क्या किसी और को याद था? किस तरह से उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भारत देश आजाद होकर रहेगा, हो चुका है, क्या वो भी एक योद्धा के समान नहीं है जो आज इस दुनिया से अकेले लड़ने को तैयार हो गए हैं? सुनिए आप, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के ही मुख से सुनिए आप, उनकी ये क्लिप सुनिए। पहले कथा में प्रवेश करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, आज की यात्रा शुरू करने के पहले कथा विराम का दिन है और प्रारंभ में ही आज एक ऐसा दिन है, आज के ही दिन हमारे भारत देश के एक ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे, भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा।
और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो उनका नारा बहुत विशाल था। और हमारा भी आज का सूत्र नोट कर लीजिए, सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए, निकालिए और ये नारा भेजिएगा सब तक, सबकी जो भगवान की नहीं उनकी जय जय सीताराम। अब बारहवीं तो ठठरी थी, लेकिन सबने कहा कि अब गुरुजी आप बहुत गंभीर हो जाइए, हम थोड़ा गंभीर होने का थोड़ा अभिनय कर रहे हैं। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहां तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यास पीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना, अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। ना तो मुझे कोई राजनेता बनना है मेरे पागलों, ना हमारी कोई पार्टी होनी है। ऐसा कभी विचार मत करना कि अब गुरुजी पार्टी में जाएंगे या नेता बनेंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, ना हमें पार्टी में जाना है, हम तो सिर्फ अपने सनातनियों को एक करने की बात करेंगे। और अगर ये बवाल है, अगर ये विवाद है, तो बना रहने दीजिए। आज वागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी युवा हैं और उन्होंने एक जिम्मा ले लिया अपने सर पे, क्या उनकी अकेले की जिम्मेदारी है? सुनिए उनको कैसे कैसे वो उन चीजों का सामना कर रहे हैं, वो सुनिए उनको, सुनिए, सुन के आप खुद बताइए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए या आपको दुबक के घर में बैठ जाना चाहिए। भारत की आवाज बनिए, ताकि इस दुनिया पर जो उंगली उठाता है, भारतीयों पर जो उंगली उठाता है, हमारे शास्त्रों पर उंगलियां उठाता है। पता है मुझे कि ये वीडियो सुनने वाले जो भी हैं वो यहाँ पे एक नहीं कई तरह के होंगे, कोई किसी धर्म को मानता होगा, कोई किसी धर्म को मानता होगा, सब अपने अपने धर्म का सम्मान करो, लेकिन दूसरों के धर्म पर उंगली तो मत उठाओ, दूसरों के धर्म, दूसरों के शास्त्रों पर उंगली तो मत उठाओ। अब इस बात को सुनकर के भी अगर तुम मेरे पागलों अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी जबान नहीं खोली, और भारत के प्रत्येक संत हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कोई ऐसा साधु नहीं जो हमारे साथ ना हो, और हम सब साधुओं से प्रार्थना करेंगे, 13 अकारों से प्रार्थना करेंगे। अब छुप कर बैठने की बात नहीं है, बागेश्वर धाम तो एक बहाना था, असलियत में इन धर्म विरोधियों को, सनातन को निशाना बनाना था, लेकिन बालाजी ने ऐसा मुंह पर तमाचा मारा कि इनको भी हौस ठिकाने लग गए। सुभाष चंद्र बोस का एक और संकल्प था जो उन्होंने करके दिखाया था, उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी, ये हिंदुस्तान आजाद है, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, और हम भी आज घोषित करते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। अपने अपने मोबाइल रख लो, वरना तुम लोग हाईजैक हो जाओगे। दुनिया भी बड़ी विचित्र है, इनको कुछ कहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, मीराबाई को नहीं छोड़ा, कबीर बाबा को नहीं छोड़ा, रैदास को नहीं छोड़ा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कितनी बार परीक्षा नहीं ली गई, हमें कब छोड़ेंगे। अब इन चुनौतियों से भागना नहीं है, हम प्रत्येक हिंदुओं से कहेंगे अब जागना है। क्या करना है, जोर से बोलो ना, कौन कौन आज सनातनी हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ खा रहा है? पक्का
आप अगर कोई सनातन के ऊपर उंगली उठाएगा तो कौन कौन मुंह तोड़ जवाब देगा। एक बात और बोल रहे, पूरे भारत के लोगों के सामने मेरे पागलों, हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहना तो उनकी मजबूरी है, अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर उनको कौन सुनेगा। कोई कुछ भी कहे, कहते रहने देना, सांच को आंच नहीं है। देखिए, हम हिंदू धर्म से जुड़े यहाँ पर YouTube पर इतने चैनल हैं कि हर तीसरे दिन एक नया वीडियो आता है कि आज ये दिन है, आज बसंत पंचमी है, आज ये दिन है, आज आप ये उपाय। मैं खुद बताती हूँ, मन को तकलीफ इसलिए होती है कि हमारे धर्म पर, हमारे बताए गए उपायों पर, जो कि वाकई में क्या चमत्कार नहीं होते हैं, उपाय आप करते हैं, क्या आपको उनसे कुछ नहीं मिलता है? जब आपको उनसे मिल रहा है तो फिर आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलना चाहिए? मतलब आप केवल सिर्फ पाना चाहते हैं। जब आज ऐसी समस्या आई है भारत में, देश पर ऐसी समस्या आई है, हमारी विद्या पर एक ऐसी समस्या आई है, पुराने हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, तपस्याएं कर करके ये शास्त्र बनाए जिन्होंने, ये शास्त्र लिखे जिन्होंने, उन पर उंगलियां उठ रही हैं। चलिए, हम आगे आकर, बाहर दुनिया में आकर तो नहीं कुछ कर सकते, यहाँ बैठ कर कम से कम चर्चा तो कर सकते हैं, कम से कम अपने विचार तो रख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन होती है, आप कोई चीज चाहते हैं, ब्रह्मांड से कोई चीज चाहते हैं, उसे आपका कहने का जरिया क्या है, आपका कहने का तरीका क्या है? अगर आपकी आस्था, आस्था के ऊपर जब चोट लगती है तो दर्द क्यों नहीं होता? हमारी आस्था के ऊपर चोट मारी जा रही है, और यहाँ पर आज ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस पर भी हो सकता है कोई यहाँ पे आके कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन परवाह नहीं है। परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब या तो हमारे शास्त्र झूठे हैं। यहाँ दुनिया में दूसरे धर्म के लोग और कुछ भी करे वो सब सही है, हमारे शास्त्र झूठे हैं। क्यों भाई? उनमें कुछ सच्चाई है, शक्तियां हैं, इनको सभी मानते भी हैं कि हाँ शक्तियां तो हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तब आगे आके कोई नहीं बोलेगा, इनका उपयोग हर कोई करेगा। जो लोग आज बोल रहे हैं ना, जो इन चीजों पर इनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी इनका उपयोग किया ही होगा। हम जो चीजें करते हैं, हमें जिनसे जो चीजें प्राप्त होती हैं, ये शास्त्र, ये शक्तियाँ, ये हमारे देवी देवता है जिनसे आज हम खड़े हैं, हम जो भी अपना जीवन जी रहे हैं उन्हीं का आशीर्वाद है, तभी आज हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पा रहे हैं, और उन्हीं पर आज उंगलियां उठ रही हैं। क्या गलत किया है वागेश्वर धाम में? लोगों के दुख को, लोगों के दर्द को कम किया है, साक्षात कईयों के चिट्ठे खोल दिए हैं, इसलिए सबको तकलीफ हो रही है। असल में दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि लोगों के काम बंद हो गए हैं। जो लोग कहते हैं हाँ जी आप ये कीजिए, आपको 15 दिन में ये हो जाएगा, क्या वो चमत्कार नहीं है? वहां पे तो 15 दिन में होगा, यहाँ पे तो इंस्टेंट एकदम बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष बता रहे हैं, तो फिर ये चमत्कार क्यों नहीं है? सोचिए, समझिए, और अपने शास्त्रों पर उंगलियां उठाने से बचाइए, क्योंकि यही शास्त्र हैं। आपकी सभी, हमारी पीढ़ी दर जो पीढ़ी है ना, वो भी इन्हीं शास्त्रों पर ही टिकी हुई हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे देवी देवता हैं, उनकी शक्तियां हैं, वो अगर हैं, हम बोल देते हैं आज पितृदोष है, कुंडली में, ज्योतिषी में क्या उनकी प्रेडिक्शन जो होती है, क्या आप उनको मानकर उनके उपाय नहीं करते? पामिस्ट्री है, हथेली के जो भी लकीरें हैं, क्या उन पर प्रेडिक्शन नहीं होती है? फिर ये सब क्या है, ये क्या अंधविश्वास है? भले ही आप वैज्ञानिक तरीके से भी देखे है तो सही, नकार तो नहीं सकते इन चीजों को। चंद्रमा है आसमान में, सूर्य है आसमान में, तारे हैं आसमान में, ब्रह्मांड है, इन चीजों को तो नहीं नकार सकते, तो फिर उन शक्तियों को कैसे नकार सकते हैं, उनको अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? या तो फिर वो ये भी कह दे के भी चंद्रमा तो नहीं है, अंधविश्वास है, ये तो भ्रम है। समझ में नहीं आती है लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई है।
अगर कोई किसी का भला कर रहा है बिना एक पैसा लिए भला कर रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है उनको? वो खुद नहीं ऐसा कर सकते, इसलिए दूसरों पर सिर्फ उंगलियां ही उठा सकते हैं। उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, उनको एक ऐसी विद्या नहीं मिली है, उनके साथ उनका भगवान अगर नहीं है तो उसमें कसूर किसी और का तो नहीं है, उनकी खुद की आस्था का कसूर है। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले दुनिया का भला करना शुरू कर दो, फिर तो माना भी जाए कि हाँ भाई वाकई में ये तो पखंड है और ये तो साक्षात बैठे ही सब कुछ किए जा रहे हैं, दुनिया का भला कर रहे हैं बिना एक पैसा लिए। खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरा कोई कुछ करे तो उसमें टांग अड़ानी है इन लोगों को। तो हमारा ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, ये अभी भी इसको टारगेट बनाया हुआ है। तो जागिए, उठिए, अपने शास्त्रों का सम्मान करिए। आप आज इन्हीं से जिंदा हैं। अगर आज ये नहीं है, आपके घर में धूप बत्ती भी होती है तो क्यों होती है? एक आस्था है तभी होती है। बड़ा मन दुखी होता है कि एक तरफ तो हम मंदिर में बैठ के धूप बत्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन शक्तियों को मान भी रहे हैं, 28 साल का एक युवा वर्ग जो आज पूरे देश के साथ लड़ रहा है, आज वो एक युवा, उनको संत नहीं कहूंगी क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हनुमान जी का ही प्रभाव है, हनुमान जी स्वयं हैं जो मुझसे कुछ करवाते हैं, मुझसे बुलवाते हैं, लोगों का भला हो रहा है तो वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो वो एक आम इंसान है, वो एक आम व्यक्ति है जो सिर्फ माध्यम बना हुआ है, तो उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर आप हिंदू हैं तो कमेंट्स में अपने अपने विचार जरूर लिखिएगा, जरूर कहिएगा कि आपको क्या वाकई में अपने शास्त्रों पर भ्रम है, अपने शास्त्रों पर डाउट है, जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। अगर आप वाकई में अपने आप को हिंदू मानते हैं तो, अगर आप अपने शास्त्रों को मानते हैं, अगर आप चमत्कार को सच में मानते हैं, क्योंकि चमत्कार होते हैं, मैं ये खुद कहती हूँ चमत्कार होते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में भी चमत्कार हुए हैं, तो मैं इस चीज को नकार नहीं सकती। एक समय था जब मंत्र शक्ति से बारिश हो जाया करती थी, तो वो क्या था? वो चमत्कार ही था, वो शक्ति ही थी। उनको ये नहीं पता कि शक्तियों के साथ आप लड़ रहे हो। किन शक्तियों के साथ लड़ रहे हो आप? धर्म है, आप अपने धर्म का ध्यान दो। जो दूसरा धर्म अपना अपना रहा है, जो अपने दूसरे धर्म में अपना कार्य कर रहा है, उसे करने दो। क्यों किसी के बीच में टांग अड़ानी है? आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई अपनी शक्ति को मान रहा है तो आप अपनी शक्ति को मानो, आप दूसरे में क्यों अड़ंगे अड़ा रहे हो? चलिए, गुस्सा तो बहुत है लेकिन इस बात को यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ। आगे आप सुनिए, विचार करिए आप खुद भी, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, आप भी भारत में रहते हैं और इन शक्तियों का, इन चमत्कारों का आप भी उपयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रमाणित है कि ये चमत्कार होते हैं और चमत्कार आगे भी होते रहेंगे। शक्तियाँ हैं तो चमत्कार भी होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सुनिए, वीडियो को एंड तक सुनिए, अच्छे से देखिए और फिर अपने विचार रखिएगा कि फिर हमें भी पता लगे आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं। साँच को आँच नहीं मेरे पागलो, और हम जब तक दिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे। बात और, लोग कहते चमत्कार नहीं होते हैं या कोई, हमें तो दुख इस बात भर का है। महाराणा प्रताप का एक सूत्र बहुत प्यारा था, दूसरे राजा से युद्ध करने के पहले शत्रु राजा की सैनिकों की संख्या की गिनती करने के पहले अपनी पार्टी में कितने शत्रु हैं उनकी गिनती करनी चाहिए। हमें दुख इस बात का है, कुछ लोगों के अंदर सनातनी खून नहीं है। जो हिंदू होकर के हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं दरबार के ऊपर, उनके लिए हम फिर कहेंगे, तुम चले आना कभी भी हमारे मैखाने में। जय श्री राम। ये तो यहाँ की बात थी, जब तुम्हारा मन करे तब चले आना। आप कहते भगवान नहीं होते या चमत्कार या सिद्धियां। हमसे आज एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, महाराज चमत्कार क्या है? हमने कहा तुम हमारे पीछे आ गए, यही चमत्कार है।
तुम चमत्कार पूछ रहे, यही चमत्कार है। हिंदू एक हो गया, यही चमत्कार है। जगह जगह सनातनीय हिंदुओं में एकता की आग लग गई, यही चमत्कार है। और हम चमत्कार दिखा भी किस लिए रहे थे, किस लिए दिखा रहे, एकता के लिए। अब वो सफल हो रहा है, हमारा चमत्कार सक्सेसफुल है, मिशन हमारा सब। हमारे हनुमान जी ने हमें सिद्धि दी क्यों, राम नाम के प्रचार के लिए, किस लिए दी, बोलो ना, किस लिए। पर हमें गर्व है, हमारे जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले महाराज जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, जिन्होंने खुल करके। और आज तो किसी चैनल में, पत्रकार में आया है, वो हमें याद नहीं है, एक शंकराचार्य जी ने भी सपोर्ट किया है, हैं? शंकराचार्य जी कौन सपोर्ट किए, द्वारका पीठ, द्वारका पीठ वाले शंकराचार्य जी भी सपोर्ट किए। पूज्य श्री कैलाशानंद जी और भारत के सब संत, ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आप तक जानकारी भी तो सच पहुंचनी चाहिए। और तुम चिंता मत करो, हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए उनकी नींदें उड़ाते रहेंगे साहब। कल एक सुल्ताना बहन ने राखी क्या बांध दी, अब तो उसका नाम सुभिदासी है, हमारी बहन का नाम सुभिदासी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी जो सनातन में वापस आ रहे हो वो कौन सी जाति के होंगे। हमने कहा हम खुद अपनी जाति नहीं बताते, ब्राह्मण होते हुए हम सबसे पहले कहते हैं हम मानव और हिंदू हैं।